Hello, hello guys, assalamu alaikum and welcome back to my channel again. So guys, in today's video, I am going to share my reaction on another cricket video. But before moving towards the video, I would like to congratulate the whole Indian team for winning the T20 series against England in England home conditions. So, magnificent performance by the whole team under the captaincy of the brilliant captain Rohit Sharma. But guys, the most prominent and the hero of this inning is the Sky, who hit 117 runs on just 55 balls. Yes, that's the most highlight of this series. So guys, RJ Ronak has made an amazing video on the phenomenal performance by Sky. So without the further ado, let's jump to the video and start watching it. And after that, I will share my honest review on it. So guys, let's go. So guys, ये कर दी है मैंने video play. भैया 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 सूर्या भैया ने जो कल खेला है, अरे खेला नहीं पेला है, इंग्लैंडियों की जी से जान मार ली भाई साहब। भाई एक सेकंड बउआ, भाई जी से जान नहीं होता, पता है जी से जो होता है वो मैं यहाँ बोल नहीं सकता, समझे सी से। ए कैसी अपमान कर रहा है, न एक कम न एक ज्यादा, एक अचवादा सूर्या दादा। नमस्ते मैं बहुआ। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ रौनक। एक्साइटमेंट देख रहा हूँ ना, उमड़ उमड़ कर निकल रही है हमारी। इंडिया इंग्लैंड स्पेशल रणतंत्र में आपका स्वागत है। और कल का इंडिया इंग्लैंड T20 इंटरनेशनल शुरू होने से पहले रोहित शर्मा के पास एक नायाब रिकॉर्ड बनाने का बढ़िया मौका था। इंटरनेशनल क्रिकेट में कैप्टन रोहित शर्मा के पास लगातार 19 जीत हो गई थी। इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार जीत का रिकॉर्ड जिस कैप्टन के पास है वो है रिकी पोंटिंग, जिन्होंने लगातार 20 इंटरनेशनल मुकाबलों में जीत हासिल करी थी। मजे की बात ये कि रोहित शर्मा में कप्तान के गुण भी सबसे पहले पोंटिंग नहीं देखे थे। जब उन्होंने अंबानी जी को ये बताया था कि अगर आप मुंबई टीम को आगे ले जाना चाहते हो तो मेरे रियली ही इज अ ब्रिलियंट कैप्टन, और उसके बाद जो हुआ उसको अंग्रेजी में द रेस्ट इज हिस्ट्री कहते हैं। इतिहास तो रोहित शर्मा भी बना सकते थे, सूर्य कुमार यादव की बदौलत लगभग बना भी लिया था, लेकिन पोंटिंग की ऑस्ट्रेलिया और रोहित शर्मा की इंडिया के बीच फर्क ये है कि वो ऑस्ट्रेलिया रिजल्ट ओरिएंटेड थी, यानी उन्हें हर तरह से जीत हासिल करनी थी, जबकि आज की इंडिया प्रोसेस ओरिएंटेड है। उन्हें टीम बनानी है और टीम बनानी होती है तो सबको मौका देना पड़ता है, यही वजह। और ये सबसे अच्छी बात होती है, सीरीज जब हाथ में आ गई थी तो फिर रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने मिलकर पूरी बॉलिंग लाइनअप बदल डाली। क्या बात कर रहे, इंग्लैंड के कैप्टन जॉस बटलर को जीतकर बल्लेबाजी करने की इतनी खुशी नहीं हुई होगी जितनी ये जानकर हुई होगी कि भैया भारतीय गेंदबाजी लाइनअप में आज भुवनेश्वर कुमार नहीं खेल रहे। पवेलियन वापस जाकर उन्होंने भांगड़ा, साल्सा, टैंगो, दुनिया भर के डांस एक साथ कर दिए। खेलने का फायदा भी इंग्लैंड के ओपनर्स को मिला और सीरीज में पहली बार दोनों के दोनों सेम मैच में खाता खोलने में कामयाब हो गए। लेकिन कप्तानी बटलर को सूट नहीं कर रही, ये बात तब समझ में आई जब आवेश खान की एक गेंद पर वो 9 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन उनका विकेट गिरने के बावजूद इंग्लैंड ने पावर प्ले में 52 रन बना लिए थे, लेकिन असली डैमेज तो टीम इंडिया का पावर प्ले के बाद हुआ। एक टाइम हुआ करता था जब इंग्लैंड के बल्लेबाज डेविड मलान बहुत लंबे समय तक T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज थे। हालांकि इंडियन फैंस में से किसी को समझ नहीं आता था कि ये बल्लेबाज जिसकी ना तो कोई हवा है ना कोई धुआं, वो T20 में दुनिया का नंबर 1 बैटर कैसे बन गया। मलान अब दुनिया के नंबर 1 T20 बैटर नहीं है, उनकी ये जगह बाबर आजम ने ले ली है। लेकिन मलान ने कल हमारे बाबर आजम मात्र 39 गेंदों में 77 रन बनाकर मलान ने उन्हीं इंडियन फैंस को जो कि उनकी बल्लेबाजी क्षमता पर, मलान की परफॉर्मेंस वाकई बहुत जबरदस्त थी, बहुत क्लीन शॉट्स खेले थे। मतलब इस सीरीज में भारत के लिए विकेट चहल, बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और हार्दिक पांड्या ले रहे थे, कल इनमें से कोई नहीं था। तो जैसे क्लास में टीचर लेने पर बच्चे उधम मचाते हैं, वैसे ही कल इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने धूम मचाया। हैरी ब्रुक और लिविंगस्टन इंग्लैंड का स्कोर 215 तक ले गए और इंडिया को बहुत अच्छा टारगेट दिया था वाकई। और मिलने से याद आया, इंस्टा पर जाइएगा, एक वीडियो आपके लिए वहां पर पोस्ट करी है, शिवा कॉलिंग। जी हाँ, क्या है ये जल्दी आपको पता चलेगा, लेकिन कैसी है वो वीडियो वो आप देखकर जरूर बताना। जी हाँ, जल्दी से मेरे इंस्टा पर जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते वीडियो पे आते हैं। तो कल जैसे कि हमने आपको याद दिलाया था कि 10 जुलाई 2019 को हम न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेल रहे थे, और उस समय फाइनल में भी हारने की मेन वजह यही थी कि हमारे टॉप 3 बल्लेबाज उस मैच में भी विलेन बने थे, बोले तो नहीं चले थे। कल के मैच में भी पंत सबसे पहले कॉल आउट हो गए और फिर ऐसे एक्टिंग कर
का बोला अच्छा। विराट कोहली ने 5 गेंदें खेली, उसमें एक चौका लगाया और फिर अगली गेंद पर बॉलर के सर के ऊपर से एक छक्का लगाया, जिसे देखकर ये लग रहा था कि विराट कोहली इज बैक। लेकिन अगली थोड़ी देर के लिए खुशी हुई, लेकिन उसके बाद फिर दिल टूट गया था। बट कोई बात नहीं, ही विल कम बैक। स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर मात्र 34 रन था। अभी तक मैच में ऐसा कोई फेज नहीं था जो इंडिया के नाम रहा हो। 10 जुलाई एक बार फिर भारतीय क्रिकेट टीम के लिए मनहूस साबित नजर आ रहा था, लेकिन फिर सामने आए स्काई मिस्टर 360। याद है इंटरनेशनल क्रिकेट में जब सूर्य भैया ने अपना डेब्यू किया था तो इंग्लैंड के खिलाफ ही किया था, और पहली गेंद पर क्या बेहतरीन शॉट्स खेले हैं, बहुत ही जबरदस्त। फिर भी शाम को ढल जाता है, लेकिन ये वाला कभी नहीं ढलेगा। लेकिन ये वाला इतनी शिद्दत से चमकेगा ये बहुत कम लोगों ने सोचा होगा। नॉटिंघम में सूर्य कुमार यादव ने जो पारी खेली वो भारत की हार के बावजूद आने वाले बहुत वक्त तक याद करी जाएगी। इंग्लिश में एडजेक्टिव हो जाएंगे भाई साहब ऐसी पारी के लिए। 14 का रिक्वायर्ड रन रेट था, लेकिन सूर्या भैया ने कहा 4.54 घोड़े पे रिक्वायर्ड रन रेट। पूरा तो सुन, रिक्वायर्ड रन रेट मेरे बल्ले पे। बउआ भाई बल्ले पे नहीं होता वो तो। ए पता है, रहने दे आगे बढ़ते हैं। मतलब एक गाना है ना गोविंदा का, मेरी सर सेक्सी, मेरे पैंट भी सेक्सी, मेरी बाल और चाल सब कुछ सेक्सी था ना उस गाने में। उसी तरह कल के मैच में सूर्य कुमार यादव की स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव और हुक सब कुछ सेक्सी, बहुत जबरदस्त। उनकी फ्लिक पर पूरा इंडिया क्लिक हुआ। उनका स्कूप गर्मी में आइसक्रीम के स्कूप से भी बढ़िया था। मात्र 55 गेंदों में सूर्या ने 6 छक्के और 14 चौकों की मदद से 117 रन की ऐतिहासिक पारी खेली। वो सुरेश रैना, रोहित शर्मा, के राहुल और दीपक हुड्डा के बाद T20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाले 5वें इंडियन खिलाड़ी बने। सूर्या ने सिर्फ शतक नहीं लगाया, एक हारे हुए मैच में 25 करोड़ हिंदुस्तानियों को उम्मीद की आस दी। जब तक वो आउट नहीं हुए थे सब यही मानकर बैठे थे कि तीसरा T20 मैच में भी इंग्लैंड को हम पेल देंगे। तो खैर इंग्लैंड को तो हमने हराया नहीं, लेकिन हाँ हार का मार्जिन जरूर कम कर लिया। ऐसा 10 जुलाई को पहली बार नहीं हुआ। इंग्लैंड ये मैच 17 रन से जीत गई, लेकिन दिल गुर्दा फेफड़ा कलेजा सब पर सूर्या भैया सिर्फ आप ही कर राज। तीसरा मैच हारने के बावजूद टीम इंडिया 2-1 से T20 सीरीज जीत गई है। पहला वनडे कल ओवल में खेला जाएगा और उसमें भी फुल फन होने वाला है। वनडे स्टार्ट हो गया। फेसबुक पे देख रहे तो पेज को लाइक करिएगा। सूर्या भाई वनडे मैचों में भी खेल रहे हैं, वहाँ डबल सेंचुरी मार दें तो मिथुन की स्टाइल में क्या बात हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल, लेकिन हमारे इंस्टा पे एक नजर जरूर मारना, एक वीडियो आपका वहाँ पर इंतजार कर रही है। शिवा कॉलिंग, देख कर बताइएगा कैसी लगी। और हाँ, कमिंग सून है भाई साहब। गाइस ये थी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव कॉमेडी वीडियो ऑन स्काई परफॉर्मेंस। आई होप आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, सो आप लोग जाके आज रौनक के चैनल पे भी वीडियोस देख सकते हैं। और क्रिकेट से रिलेटेड बहुत ही मजेदार कॉमेडी वीडियोस उनके चैनल पर होती हैं, तो आप लोग उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और उन्हें इंस्टा पे भी और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। गाइस बहुत ही जबरदस्त मैच था, बहुत जबरदस्त इनिंग्स रही T20 की इंडिया और इंग्लैंड की। अब वनडे सीरीज जो है वो स्टार्ट हो गई है। अब देखना होगा कि इंडिया और इंग्लैंड में से कौन वनडे सीरीज जो है वो जीतेगा। लेकिन अगर T20 सीरीज की बात करें तो इसमें भी बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि विराट कोहली जो है वो उनकी जो एक क्लासिकल परफॉर्मेंस है वो हमें देखने को मिलेगी, लेकिन इस सीरीज में भी हमें नहीं कुछ ऐसा चमत्कार देखने को मिला। लेकिन कोई बात नहीं, ही इज अ क्लासी प्लेयर और यकीनन परफॉर्मेंस जो होती हैं वो वैरी करती हैं। कभी किसी प्लेयर के अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, कभी नहीं कर रहे होते। और इसी तरह मैं पोस्ट मैच जो है वो रोहित शर्मा का इंटरव्यू भी देख रही थी, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा जो है वो बैकअप करा और बैक करी विराट कोहली की, कि जो प्लेयर होता है वो जो उसका टैलेंट होता है वो उसका टैलेंट खत्म नहीं होता, जो उसकी एक क्लास होती है वो खत्म नहीं होती, बल्कि कभी कभार जो है वो उसकी फॉर्म, वो अपनी फॉर्म से आउट हो चुका होता है और थोड़ा टाइम लगता है दोबारा वापस आने में। सो हमें बहुत ही ज्यादा उम्मीदें और इंतजार है कि विराट कोहली को हम उनकी दोबारा से जो फॉर्म है उसमें वापस देखें। एंड आई रियली होप कि विराट कोहली की जो आउटस्टैंडिंग, फिनोमिनल एंड मैग्निफिसेंट जो परफॉर्मेंस होती है वो जल्दी हम सबको देखने को मिले और हम सब एंजॉय करें। सो गाइस इसी के साथ वीडियो को खत्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आप लोगों को इंडिया की T20 सीरीज कैसी लगी और आप लोगों को किस किस की परफॉर्मेंस बैटिंग और बॉलिंग में बेहतरीन लगी, मेरे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा।
और साथ ही साथ अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, जो रेड बटन आ रहा है इसको हिट कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन आ रहा है उसे भी हिट कर दीजिए, सबको हिट कर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड कमेंट कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। मिलूंगी आप लोगों से किसी और वीडियो में किसी और नए रिव्यू या रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।